मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिडनबा इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। आईपीओ का स्टार्ट डेट है 23 फरवरी यानी कल, एंड डेट है 25 फरवरी, भाव है 626 से 27 रुपए, लॉट साइज है 23, कुल कम से कम आपको 14,421 रुपए निवेश करने पड़ेंगे इसके आईपीओ में। हिडनबा एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और यह सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड और इसकी इंटरमीडिएट भारत में बनाती है। कंपनी मार्केट लीडर है पाइरेथ्रोइड्स, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है इसमें, और इसका 20% मार्केट शेयर है। ये खास बात है कंपनी की। दूसरे जो उत्पाद है कंपनी के वह है इंसेक्टिसाइड। इसमें कंपनी का अलग अलग ब्रांड है, जैसे अल्फा शक्ति, बेंजो, कार्गो, सिप्रा, डेल्टा, दोदक और फेंटा। फंगीसाइड इसके अंदर कंपनी का ब्रांड है अस्ट्रान, साइमन, मैंडी, प्रोलाइन, विंटेज। हर्बिसाइड इसमें कंपनी के ब्रांड है अट्रिया, बिस्पेरी, क्लाउड, फिनक्स और ग्लोरी। प्लांट ग्रोथ इसके अंदर कंपनी का ब्रांड है बूस्ट, जीवन, जिब्रा और शैडो। साथ ही साथ कंपनी पब्लिक हेल्थ, जैसे घरों में इस्तेमाल की जाने वाले सामानों पे भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे रैट किल, चूहे मारने की दवा, प्रोटॉन, प्रोटेक्स, टेम्पर और मंत्रा। ये अलग अलग ब्रांड है कंपनी के। तो एक एंड टू एंड एग्रोकेमिकल कंपनी है और इनके पास एक अच्छा मार्केट शेयर है, 20% मार्केट शेयर है एक प्रोडक्ट में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वापी में और इनके 3 यूनिट हैं। तीनों यूनिट अलग अलग तरह के उत्पाद बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के उत्पाद बनाते हैं। कंपनी भारतीय सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है, निर्यात घर है और ये अपने उत्पाद 60 से ज्यादा देशों में पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के 8,600 डीलर्स हैं भारत भर में, तो इनका भारत में भी अच्छा खासा फैलाव है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। दूसरी चीज है कंपनी का, अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। कुल एसेट है इनका 6,247 मिलियन, कुल रेवेन्यू है 9,680 मिलियन और फायदा हुआ है 977 मिलियन का 2020 में। एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कुछ एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के, अगर आप निवेश करने की इच्छुक हैं, पहली चीज की कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, इनकी एक और कंपनी थी शक्ति बायोसाइंसेस, जो विलफुल मतलब खुद से डिफॉल्ट घोषित हो गई अतीत में। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। दूसरी बात है सेबी के साथ और इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस और सिविल चार्जेस भी हैं, तो खास कौन में व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसी कंपनियां पसंद नहीं करता जो लीगल लड़ाई मतलब कानूनी लड़ाइयों में दांव पेचों में फंसे हो, क्योंकि उसका अगर कोई भी नकारात्मक फैसला आता है तो कंपनी की अवस्था खराब हो जाती है। तो इस तरह से मैं ऐसी कंपनियों में निवेश करने की सलाह आमतौर पर नहीं देता हूँ। दूसरी चीज है एग्रोकेमिकल सेक्टर में भारत में काफी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे बायर क्रॉप साइंसेस हो गया, सुमिटोमो केमिकल हो गए और साथ ही साथ टाटा जैसे बड़े ग्रुप से रैलीज जैसी कंपनियां हैं। तो एक अच्छी खासी कंपनियां इस सेक्टर में बिलोंग करती हैं। तो न्यूज़ को के लिए ऐसा नहीं है कि एग्रोकेमिकल की एक यूनिक कंपनी आ गई आईपीओ लेके, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास हैं जो अगर आप इस सेक्टर में इच्छुक हैं। तो दूसरी चीज है कि अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो अभी सब्सक्रिप्शन डेटा मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि कल आएगा, तो ये जैसे ही समय आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरा आर्टिकल मेक मनी विथ आईपीओ पढ़ सकते हैं, उस आधार पे आपको फैसला लेने में सुविधा होगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेक मनी विथ आईपीओ आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ भविष्य के आईपीओ की जानकारी के लिए आप मनीपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ आपको बता दूं मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है
वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूं ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।